बैंक शुरू आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। फेसबुक पर गर्लफ्रेंड बनाना पुलिस कांस्टेबल को पड़ा महंगा, पहली डेट पर उड़ गए होश। चलिए जानते हैं पूरा ये मामला क्या है। आप लोगों को ये मामले के बारे में जान के काफी ज्यादा हंसी जरूर आएगी। तो आप लोग भी अपने जो आपके माइंड में इस वक्त ये पूरी रिपोर्ट जानने के बाद जो भी सवाल जो भी आंसर्स जो आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कि क्या आप लोग इस मामले के बारे में जान के हंसे हैं या नहीं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये जो पूरा मामला है हमारे सामने मध्य प्रदेश के इंदौर पुलिस स्टेशन से आ रहा है, जहां पर सत्य नाम का एक कांस्टेबल है और एक्चुअली उसकी शादी 2019 में हुई थी और उस दौरान ही कुछ टाइम के बाद वो अपनी पत्नी को दहेज के ऊपर काफी ज्यादा फोर्स करने लग गया और उसको मारने पीटने लग गया, जिसके कारण उसने पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई। पर कांस्टेबल होने के नाते एक्चुअली में उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, इसके कारण उसकी जो पत्नी थी वो वापस अपने मायके चली गई और इन दोनों के बीच में बातचीत होनी बंद हो गई। और उसके बीच में ही एक्चुअली जो सत्यम है वो एक लड़की से फेसबुक पे बात करने लग गया और वो लड़की से उसका प्यार हो गया और प्यार बहुत ही ज्यादा सर पे चढ़ के बोलने लग गया, जिसके कारण इन दोनों ने, उस लड़की ने और जो सत्यम कांस्टेबल है पुलिस कांस्टेबल, उन दोनों ने मिलने का अभी डिसीजन ले लिया। और जब वो मिलने के लिए गया तो वहां पर उसके होश उड़ गए। होश इसीलिए उड़े उस लड़की की वजह से, उस लड़की का नाम है रिंकी, जो कि फेसबुक पे उसके साथ लगातार बात कर रही थी और फेसबुक पे जो चैटिंग होती थी वो चैटिंग काफी ज्यादा गंदी होती थी और एक्चुअली में शारीरिक संबंध बनाने के लिए बोलता था ये कांस्टेबल। और उस लड़की को जब ये मिलने के लिए गया सत्यम, तब उसके होश इसलिए उड़े क्योंकि वो रिंकी लड़की जो थी वो उसकी पत्नी थी और उसने एक अलग फेसबुक पेज ओपन किया था, फेसबुक ओपन किया था जिससे वो अपने पति के साथ ही बात कर रही थी और उसके स्क्रीनशॉट लेके सब चीजें करके बातचीत करके उसने ये स्क्रीनशॉट जो चैटिंग के थे वो पुलिस डिपार्टमेंट को, एसपी को और बड़े बड़े जो पुलिस अधिकारी है उन तक पहुंचा दिए, जिसके कारण उसका ये पूरा मामला दोबारा से खुल गया और इस कांस्टेबल को सस्पेंड भी कर दिया गया और इसके ऊपर कार्रवाई चल रही है। तो अपनी पत्नी ने एक्चुअली में इससे बदला लिया और ये हंसी का कारण काफी ज्यादा बना सोशल मीडिया पे। हालांकि आप लोगों को ये हंसी का कारण लगा या नहीं, ये है महिला की पावर। अगर महिला चाहे तो कुछ भी कर सकती है, या कुछ महिला एक्चुअली में इस दबदबा में दब जाती हैं, पर उन लोगों को भी दबना नहीं चाहिए। उनका भी माइंड काफी ज्यादा कंधे से कंधा मिला के जो लड़कियां आजकल चल रही हैं, और अगर उनको कोई पीड़ित करता है तो अपना जुबान उठानी चाहिए, अपना हल्ला बोल करना चाहिए। आप क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते हुए जाइए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय, टेक केयर, नमस्कार।